हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सएमएल के बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सएमएल क्या है और उसका यूज़ कैसे हो सकता है वो हम सीखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक्सएमएल को हम ASP.NET में किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द एक्सएमएल, एक्सएमएल क्या है? तो एक्सएमएल का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। किसके लिए यूज होगा? तो मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एज अ मार्कअप के लिए रूप में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। टेक्स्ट आर एडेड टू द डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना। तो मल्टीपल टेक्स आप एड कर सकते हो डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। HTML टैग्स टेल अ ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। HTML टैग है वो क्या कहता है ब्राउजर को कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हो। जब XML किसके लिए यूज होगा? तो XML टैग गिव्स अ रेंडर सम आइडिया व्हाट सम ऑफ द डेटा मीन्स। तो जो डेटा का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो आप XML टैग के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। और HTML टैग का यूज आप जब भी आपको को ब्राउजर को इन्फॉर्म करना है कि आपको इस डेटा को किस तरह से आपको डिस्प्ले आउट करना है, तब आप HTML टैग का यूज़ करोगे। और XML टैग का यूज़ आप जब आपको डेटा का मतलब क्या है वो डिफाइन करने के लिए यूज़ करना है, तब आप XML टैग्स का यूज़ कर टैग का यूज़ करने वाले हो। ओके, तो व्हाट इज़ द XML, उसके बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। तो मेटा लैंग्वेज, XML इज़ अ मेटा लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड फॉर्मेट योर ओन डॉक्यूमेंट मार्कअप। आपका खुद का जो भी है डॉक्यूमेंट उसको आपको फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। अ मेथड फॉर पुटिंग स्ट्रक्चर डेटा इन टू अ टेक्स्ट फाइल, है ना। जो भी आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है उसको आप टेक्स्ट फाइल में रख सकते हो। एंड दिस फाइल आर इजी टू रीड, अनएम्बिगियस, एक्सटेंसिबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये फाइल के पास ये सभी प्रॉपर्टीज है कि आप इजीली रीड कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी ओर से टैग क्रिएट किए होंगे या फिर डिफॉल्ट टैग आप यूज कर रहे हो, तो इजीली आप इसको रीड कर सकते हो, इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आता है अनएम्बिगियस, है ना। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, एक्सटेंसिबल है और आप ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देन आता है XML डॉक्यूमेंट्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफन ओवर द इंटरनेट। तो XML डॉक्यूमेंट है आपका मेनली डेटा ट्रांसफर के लिए आप यूज कर सकते हो, क्यों आपको कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, या फिर वन प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर कोई डिवाइसिस के अंदर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप XML फॉर्मेट के अंदर आप उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML। अभी HTML और XML के बीच में डिफरेंट क्या है? तो HTML टैग्स हैव अ फिक्स्ड मीनिंग एंड ब्राउजर नो व्हाट इट इज। HTML टैग है उसका उसके पास एक फिक्स मीनिंग है ना, और ब्राउजर है वो उसको डिफाइन कर सकता है। XML है, टैग्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। XML टैग के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैग आप यूज करें, डिफरेंट टैग का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, एंड यूजर नो व्हाट दे मीन। यहाँ पर यूजर को पता है इस टैग का यूज क्या है। जब भी HTML में क्या होता है, तो प्री डिफाइंड हमारे पास टैग है, वो टैग का हम यूज कर रहे हैं, तो हर एक डिवाइसिस के अंदर उसका मीनिंग सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पी टैग है, तो पी टैग का मतलब है पैराग्राफ क्रिएट करना। तो पैराग्राफ क्रिएट करने का हर एक पोर्शन, हर एक पीसी के अंदर, हर एक डिवाइसेस के अंदर सेम मीनिंग होगा, सेम मीनिंग। तो आप उसको यहाँ पर फिक्स मीनिंग है। जब भी XML टैग है, तो कोई भी XML टैग आपने क्रिएट किया है, वो टैग आप वो यूजर को पता है कि ओके इस टैग का काम ये है ना, तो वो सेम आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो अनदर पीसी के अंदर। ठीक है, देन आता है HTML टैग्स आर यूज फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आता है XML टैग्स आर यूज टू डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा। कोई डॉक्यूमेंट और डेटा है उसको डिस्क्राइब करना है, तब आप XML टैग का यूज कर सकते हो। विद कंपैरिजन यहां पर दिया गया है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है HTML के बारे में, तो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर प्री डिफाइंड एंड रिजिड।
यहाँ पर जो भी टेक्स है और उसके सभी एट्रीब्यूट्स है ना, तो रिजिड है वो, उसका मीनिंग है वो प्री डिफाइन कर दिया गया है और वो मीनिंग हर बार उसका सेम ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है एक्सएमएल। तो एक्सएमएल के अंदर अलाउ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट इच टैग एंड एट्रीब्यूट्स मीन। हर एक यूजर को ये फ्रीडम है, वो अपने ओर से कोई भी टैग क्रिएट कर सकते हैं और उसका मीनिंग और उसका एट्रीब्यूट्स वो अपनी ओर से क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ उसके रिवर्स में एचटीएमएल में यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो भी हमारे पास टैग है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, उसका प्री डिफाइंड मीनिंग है और वो रिजिड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। देन आता है कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग कैन बी प्लेस टुगेदर। तो यहाँ पर फॉर्मेट करना है आपको और कंटेंट लिखना है, तो दोनों को आप एक साथ कर सकते हो, है ना। तो हम स्टाइलिंग हम कर सकते हैं कोई भी टैग के अंदर अपनी ओर से डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर एक्सएमएल के अंदर कंटेंट एंड फॉर्मेट आर सेपरेट, फॉर्मेटिंग इज कंटेंट इन अ स्टाइल शीट। एक्सएमएल के अंदर अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप उसके लिए सेपरेट फाइल आपको क्रिएट करने होगी और उसके अंदर आपको करना होगा। जहाँ एचटीएमएल में क्या कर सकते हो, आप एक ही फाइल के अंदर दोनों चीजें आप उसको कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है डिजाइन रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दस मोर इफेक्टिव फॉर अ मशीन ह्यूमन इंटरेक्शन, है ना। तो ह्यूमन इंटरेक्शन मशीन के साथ जो भी करना है वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। यहाँ पर एक्सएमएल के अंदर डिजाइन टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दस मोर इफेक्टिव फॉर मशीन मशीन टू मशीन इंटरेक्शन। तो मशीन टू मशीन इंटरेक्शन के लिए इजीली है, तो यहाँ एचटीएमएल के अंदर ह्यूमन टू मशीन के लिए यहाँ पर इफेक्टिव है। तो यहाँ पर हमने की क्विक कंपैरिजन हमने देखा एचटीएमएल और एक्सएमएल के बारे में। ओके, अभी हम एडवांटेज देखेंगे कि एक्सएमएल के बारे में, एक्सएमएल का एडवांटेजेस क्या है। तो एक्सएमएल इज टेक्स्ट यूनिकोड बेस्ड, टेक्स्ट यूनिकोड बेस्ड, टेक अप लेस स्पेस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड इज एफिशिएंटली, है ना। एक्सएमएल है वो स्पेस कम लेता है और आप इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर। वन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्ले डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडिया। तो एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है और डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसको विजिबली मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है एचटीएमएल, वीडियो, सीडी, डीवीडी। यू ओनली हैव टू चेंज द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू चेंज ऑल द रेस्ट। तो यहाँ पर यू कैन हम क्या कर सकते हैं, एक्सएमएल डेटा को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। XML डॉक्यूमेंट कैन बी मॉड्यूलराइज्ड, पार्ट्स कैन बी रीयूज। तो यहाँ पर मॉड्यूलराइज कर सकते हो और पार्ट है यहाँ पर और उसको हम उसको रीयूजली भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग XML, XML का यूज करने के किस तरह से हम उसके एडवांटेजेस ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीपल एडवांटेजेस यहाँ पर हमें दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रूली पोर्टेबल डेटा, देन है इजीली रीडेबल बाय ह्यूमन यूजर, देन है वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल, देन है इजी टू यूज फ्रॉम प्रोग्राम्स, इजी टू कन्वर्ट इनटू अदर रिप्रेजेंटेशन, मेनी एडिशनल स्टैंडर्ड्स एंड टूल्स एंड वाइडली यूज्ड एंड सपोर्ट, है ना। तो ये सभी यहाँ पर उसके एडवांटेज यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर एक एचटीएमएल का एग्जांपल दिया गया है। तो एचटीएमएल है, फिर हेड है, उसके अंदर हमने टाइटल डिफाइन किया है, फिर हेड को हमने क्लोज कर दिया है, फिर यहाँ पर बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट के अंदर हमने कुछ लिखा है और फिर हमने बॉडी पार्ट को भी क्लोज कर दिया है और उसके बाद HTML को भी हमने क्लोज कर दिया है। अभी हम XML का यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है XML वर्जन इज इक्वल टू 1.0। तो हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। फिर यहाँ पर हमने अपनी ओर से एक टैग क्रिएट किया है एड्रेस करके, एंड देन हमने अपना डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हमने क्रिएट किए हैं, नेम के लिए क्रिएट किया है, ईमेल के लिए है, फोन के लिए, बर्थडे के लिए, है ना। और फिर लास्ट में हमने एड्रेस को क्लोज कर दिया, है ना। तो एक्चुअल डिफरेंट क्या है, तो
तो एक्चुअल डिफरेंट ऑफ बीइंग एक्सएमएल हाईली डिपेंड ऑन द डिजाइन ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपकी एप्लीकेशन के डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सभी तरह के चेंजेस आप अपनी ओर से कर सकते हो, मॉडिफिकेशन यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। तो एप सिनेरियो वन, कंटेक्स्ट मैनेजमेंट, है ना। तो कंटेक्स्ट मैनेजमेंट करना है आपको, तो किस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आप बॉटम में आप देख सकते हो कि एक सिंपल एक डेटाबेस क्रिएट किया है। तो डेटाबेस विथ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के आपके पास डेटाबेस है ना। फिर यहाँ पर क्या है, कन्वर्टर्स है ना, और ये हमारे पास क्लाइंट्स है। तो कन्वर्टर का काम क्या है, तो वो कन्वर्टर का काम एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसको कन्वर्ट कर देगा, और क्लाइंट को आपको जिस फॉर्म में आपको भेजना है वो फॉर्म के अंदर आपको कन्वर्ट करके आपको देगा। तो जो भी डेटा है आपके पास वो डेटा यहाँ पर आएगा, वो डेटा कन्वर्ट होगा, और वो डेटा हम यहाँ पर उसको डिस्प्ले आउट करने वाले, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म में आपको विजिबल हो रहा है। फिर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इस तरह की डिवाइसेस है आपके पास, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्म में कर सकते हो, फिर इस फॉर्म में कर सकते हो मोबाइल फॉर्म के अंदर, फिर आप पीडीएफ फॉर्म में भी आप कर सकते हो, एक्सएमएल टू पीडीएफ भी कर सकते हो। तो मल्टीपल फॉर्म के अंदर आप मल्टीपल आपके पास डिवाइसेस है, तो हर एक डिवाइसेस के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, कन्वर्टर का यूज़ कीजिए, कन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर देगा, और जो भी फॉर्म के अंदर आपको आपके डिवाइसेस को भेजना है वो डिवाइसेस के अंदर आप उसको भेज सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एप सिनेरियो टू, है ना। तो यहाँ पर हम किस किस तरीके से हम देखेंगे, तो यहाँ पर डिफाइन किया है। तो यहाँ पर एक बायर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सचेंज के एक प्रोग्राम है, तो बायर है और सप्लायर है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स है एक्सएमएल एडाप्टर करके, है ना। तो उसमें क्या है, बी एम ई कैट, ई बी एक्स एम एल, रोजेटा एक्स एम एल, बी स्टॉक, फिर नीचे है लीगेसी सिस्टम है, सेफ है, आर टू है, यहाँ पर लीगेसी सिस्टम है, कोबोल है, और लास्ट में है आपके पास डेटाबेस। तो जो भी डेटाबेस है वो डेटाबेस से एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है वो आपके सिस्टम के अंदर आएगा। वो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर जैसे हमने आगे हमने देखा था कन्वर्टर, तो उसी तरह से यहाँ पर कन्वर्ट होगा, और फिर हम इसको एक्सएमएल एडेप्टर को भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अभी हम एप सिनेरियो फोर देखेंगे, है ना। तो वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट मार्कअप हमें देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्टिकल हमने क्रिएट किया है, आर्टिकल करके उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हमने क्रिएट किए हैं। तो फर्स्ट सेक्शन हमने क्रिएट किया है आईडी इज इक्वल टू वन, टाइटल इज इक्वल टू इंट्रो, है ना। तो यहाँ पर सेक्शन है वो टैग है, और जो भी यहाँ पर आईडी लिखा है, टाइटल लिखा है, वो है एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर टैग और एट्रीब्यूट्स आप यूज कर रहे हो, फिर आपने टैग को क्लोज कर दिया। उसी तरह से हमने दूसरा एक सेक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर भी हमने एक एट्रीब्यूट्स क्रिएट किया है आईडी इज इक्वल टू टू, और फिर हमने यहाँ पर टाइटल दिया है, तो टाइटल इज इक्वल टू मेन रिजल्ट। फिर दिया है नेम, तो नेम के अंदर है वेकम, है ना। फिर लिखा है सिटी, इंड आई डी रेफ इज इक्वल टू, कुछ रेफरेंस हमने दिया है, फिर हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, फिर थियरम इज थियरम करके हमने कुछ लिखा है, तो थियरम करके एक टैग क्रिएट किया है ना। उसके अंदर कुछ लिखा है, एक दो एट्रीब्यूट से यहाँ पर, एक तो आईडी है और एक तो सोर्स है। फिर हमने लास्ट में लिखा है लिटरेचर करके, तो उसके अंदर है साइट, आईडी इज इक्वल टू ऑथर हमने डिफाइन किया है, और फिर लिटरेचर को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि आर्टिकल हमने यहाँ पर पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या है, डॉक्यूमेंट मार्कअप एड स्ट्रक्चर एंड सिमेटिकल इंफॉर्मेशन टू डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल सेक्शनल, सब सेक्शनल, थियरम्स, क्रॉस रेफरेंसेस, लिटरेचर साइटेशन, इंडेक्स एंट्रीज, नेम एंटिटीज, ये सब हम कर सकते हैं। दिस अलाउ क्वेरीज लाइक विच आर्टिकल साइट वेकम्स एक्सएमएल पेपर फ्रॉम 2001। तो आप इस तरह की क्वेरी को आप करके आंसर आप फेच आउट कर सकते हो। फिर लिखा है विच आर्टिकल टॉक अबाउट वेकम, तो आर्टिकल को भी आप यहाँ पर उसको फेच कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सएमएल है आपके पास, आपके पास क्वेरीज है, तो क्वेरीज और एक्सएमएल का यूज करके आप
डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। फिर आता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो व्हाट इज इन द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में होता क्या है? तो मेनली तीन चीज़ें होती है, एक तो एलिमेंट होता है, एक एट्रीब्यूट्स होता है, प्लस सम अदर डिटेल्स होती है ना। तो जो भी हमें डिटेल्स में लिखनी होती है वो डिटेल्स होती है। यहाँ पे सिंपल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट दिया है आर्टिकल करके, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट है, फिर ऑथर एक एलिमेंट है, उसके अंदर हमने कुछ लिखा है, टेक्स एलिमेंट है ना, उसी तरह से एक सेक्शन एलिमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू वन है, वो हमारा एट्रीब्यूट्स है। उसी तरह से टाइटल इज इक्वल टू इंट्रोडक्शन है, वो भी आपका एट्रीब्यूट्स है। फिर हमने कुछ इस यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स का यूज करके मल्टीपल चीजें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रीली डिफाइंड टैग आप देख सकते हो, है ना। तो ऑथर है, टेक्स है, आर्टिकल है, तो क्या है, फ्रीली डिफाइंड है, डिफाइनेबल है। तो यहाँ पर आप अपने ओर से कोई भी नेम दे सकते हो एलिमेंट को, और एलिमेंट का आप यूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग टैग है ना, फिर एंडिंग टैग है, कंटेंट है ना, एलिमेंट्स है, ये क्या है, दोनों एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जाम्पल नंबर एंड टाइटल, तो दोनों हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, तो इसको हम एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। ये जो भी हमने आर्टिकल लिखा है वो हमारा एलिमेंट है, ये जो भी हमने इस तरह से लिखा है दो टैग के बीच में, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में हमने लिखा है, वो हमारा कंटेंट है, ये जो भी है वो हमारा कंटेंट है। एलिमेंट्स इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टैग्स कौन कौन से है, आर्टिकल है, टाइटल है, ऑथर है, स्टार्टिंग इस तरह से होगा और एंडिंग इस तरह से, आप स्लैश के थ्रू आप इसको एंड कर सकते हो। एलिमेंट को इस तरह से डिफाइन करना है, एलिमेंट है उधर नेम एंड कंटेंट, एलिमेंट में भी नेस्टेड, एलिमेंट में भी एम्प्टी, एम्प्टी एलिमेंट भी कर सकते हो, एलिमेंट कंटेंट इज टाइपिकली पास कैरेक्टर डेटा, है ना। फिर इच एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हैज एग्जैक्टली वन रूट एलिमेंट एंड फॉर्म अ ट्री, फिर एलिमेंट विथ कॉमन पेरेंट आर ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब भी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। एलिमेंट वर्सेस एट्रीब्यूट्स, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है ना। तो एलिमेंट में हैव एट्रीब्यूट्स दैट हैव अ नेम एंड वैल्यू, तो एलिमेंट के पास एट्रीब्यूट्स होता है, एट्रीब्यूट्स के पास नहीं, एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं हम बोल सकते। तो एलिमेंट है वो किसका पार्ट है, सॉरी एट्रीब्यूट्स है वो किसका पार्ट है, एलिमेंट का पार्ट है, और उसके पास दो चीजें होती है, एक तो नेम होता है, एक तो वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेक्शन है वो एलिमेंट है हमारा, और उसके पास एट्रीब्यूट्स है नंबर करके, तो नंबर है वो आपका नेम है, और इज इक्वल टू वन लिखा है, तो वन है वो आपका वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो ओनली वन एट्रीब्यूट्स विथ अ गिवन नेम पर एलिमेंट, है ना। तो एक एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर सकते हो एक नेम का, है ना। अगर दूसरा आपको करना है तो आपको नेम चेंज करना होगा। एट्रीब्यूट्स हैव नो स्ट्रक्चर, सिंपली स्ट्रिंग, इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप सिंपली उसने स्ट्रिंग ही डिफाइन कर सकते हैं, है ना। फिर एज अ रूल ऑफ थम क्या रूल्स है, कंटेंट इनटू एलिमेंट, मेटा डेटा इनटू एट्रीब्यूट्स। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो पर्सन एलिमेंट है, बॉन्ड एट्रीब्यूट्स है, इज इक्वल टू कोई वैल्यू यहाँ पर दी है, यहाँ पर डाई लिखा है ना, फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू दी है, फिर हमने कुछ कंटेंट लिखा है, और फिर पर्सन को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप कोई एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो विथ यूजिंग एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स के पास दो प्रॉपर्टीज है, एक तो नेम है और एक तो वैल्यू है। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एज ऑर्डर, तो ऑर्डर है हमारा डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल यह आर्टिकल हमने पहले डिफाइन किया है, तो उसके पास एक ऑथर है एलिमेंट, उसके पास एक कंटेंट है, उसके आर्टिकल के पास टाइटल भी है, टेक्स्ट भी है, है ना। तो उसके पास ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, उसके अंदर जो जो चीज़ें होगी तो वो होगी। एट्रीब्यूट से तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट डिक्लेरेशन इन डीटीडीज, तो वन एलिमेंट डिक्लेरेशन फॉर ईच एलिमेंट टाइप, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, वेयर पीसी डेटा पार्स कैरेक्टर डेटा चाइल्ड वन चाइल्ड एलिमेंट सी वन टू सी एन सी वन और करके भी आप लिख सकते हो। लिंकिंग डीटीडी एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, तो इंटरनल डीटीडीज, तो एक्सएमएल वर्जन इज इक्वल टू 1.0, फिर डॉक टाइप आर्टिकल दिया है, उसके अंदर एलिमेंट लिखा है ना, तो आप इस तरह से डीटीडीज क्रिएट कर सकते हो।
फ्लो ऑफ डीटीडीज, नो सपोर्ट फॉर द बेसिक डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, डबल्स, डेट्स, टाइम्स, नो स्ट्रक्चर एंड सेल्फ डिफाइंड डेटा टाइप्स, नो टाइप डेरिवेटिव्स, आईडी, आईडी रेफ, लिंक्स आर क्वाइट लूज एंड एक्सएमएल स्कीमा, डिस्प्लेइंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो डिफरेंट अप्रोचेस है आपके पास, तो आप एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज एक्सएसएल से कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्टाइल एंड सीमेंटिक लैंग्वेज डीएसएसएल का कर सकते हो, फिर आता है कास्केडिंग स्टाइल सेट सीएसएस के थ्रू कर सकते हो। सीएसएस वे ओरिजिनली डिफाइंड फॉर डिस्प्लेइंग एचटीएमएल बट एक्सएमएल ब्राउजर कैन ऑल्सो यूज दिस, अनलाइक सीएसएस विच यूटिलाइज द फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्टली डिस्प्ले द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। XSL normally first transform the XML document into suitable format for displaying such as HTML or RTF. It is sent this to an XSL processor which then generate the required HTML or RTF output. Thus XSL stylesheet has two part, transforming and formatting. एप्लीकेशन कौन कौन सी है, तो यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन है एक्सएमएल की, तो डेटाबेस एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट मार्कअप है, मैथमेटिकल मार्कअप लैंग्वेज है, मैसेजिंग के लिए यूज कर सकते हो, चैनल डेफिनेशन फॉर्मेटिंग है, मेटा कंटेंट डेफिनेशन है, प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेट कंटेक्स्ट सिलेक्शन है, प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेसी रेफरेंस सिस्टम सिंटेक्स स्पेसिफिकेशन है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा XML के बारे में सीखा, किस तरह से आप XML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, HTML और XML में डिफरेंसेस क्या है, उसकी XML की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, तो इस तरह से हमने पूरा XML यहाँ पर हमने पढ़ा। अभी आपको दो क्वेश्चंस के आंसर आपको एज असाइनमेंट के रूप में सबमिट करने हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज XML, XML क्या है, और दूसरा आपको सबमिट करना है गिव डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, तो दोनों असाइनमेंट, दोनों क्वेश्चंस आपको एज असाइनमेंट के रूप में यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।